एक बार एक बुढ़िया थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका घर स्कूल जाने वाले बच्चों के रास्ते पर था। बच्चे अक्सर बुढ़िया को चिढ़ाते थे, वे उसे नाम बुलाते थे, उस पर हंसते थे और कभी कभी उसके घर पर पत्थर भी फेंक देते थे। बुढ़िया इन सब बातों से बहुत परेशान थी। एक दिन, अरे बुढ़िया, तू बोलती क्यों नहीं? क्या तू गूंगी है? मैं गूंगी नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें सुनकर दुख होता है। अरे बुढ़िया, तू कितनी बदसूरत है। तुम कल मेरे घर के सामने आना, तब तुम्हें मैं बताऊंगी। कल तुमको पता चलेगा बच्चों। स्टेप नंबर वन, क्रिएट ए स्टोरी। सबसे पहले आपको एक स्टोरी क्रिएट कर लेनी है चैट जीपीटी से। यहाँ पर मैंने टाइटल लिख दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टाइटल से रिलेटेड यहाँ पर स्टोरी आ चुकी है। आपको कर लेना है इसे कॉपी। नेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप करेंगे, मुझे इस स्टोरी के अलग अलग करेक्टर्स के अलग अलग डायलॉग चाहिए, देन आपको इसे शेयर कर देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास हमारे स्टोरी में जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वे यहाँ पर लिखे हुए आ चुके हैं। अब आपको इन्हें कर लेना है कॉपी। नेक्स्ट आपको चाहिए यहाँ पर इमेजेस। इमेजेस के लिए आपको प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सो यहाँ पर आपको इन सबको कर लेना है कॉपी और नोट्स में आपको सेव कर लेना है। आप चाहे तो चैट जीपीटी से भी स्टोरी क्रिएट करा सकते हैं। स्टेप नंबर टू, इमेजेस जनरेट। इमेज जनरेट करने के लिए आपको फ्रीपिक एआई वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको 20 क्रेडिट रोज़ाना मिल जाते हैं, जिससे आप 10 इमेजेस डेली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट कर देना है सर्च बार में, देन आपको यहाँ पर इसका आगे लिख देना है 3D एनिमेटेड। इसके बाद आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर मैं जनरेट पर जैसे ही क्लिक करूँगी, आप यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने हमारी स्टोरी से रिलेटेड इमेजेस यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आपको जो भी इमेज अच्छी लगे अपनी वीडियो के लिए, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। स्क्रीन को आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे और डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके आपको इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। आपको वन बाय वन करके प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट करना है और अपनी स्टोरी से रिलेटेड सभी इमेजेस को आपको डाउनलोड कर लेना है। स्टेप नंबर टू इज कंप्लीट। स्टेप नंबर थ्री, इमेज टू वीडियो। इसके लिए हम पीका लैब्स एआई वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली यहाँ पर पीका आर्ट यहाँ पर ये वाली वेबसाइट है। आप कुछ इस तरीके की इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आपके पास जो भी इमेज है उन्हें आप वीडियो में आसानी से चेंज कर सकते हैं। सो आपको ट्राई पीका पर क्लिक करना है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ ट्राई पीका। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको साइन इन विथ गूगल पर क्लिक करना है। आप चाहे तो डिस्कॉर्ड का अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गूगल से साइन अप कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज और वीडियो, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आपको किस तरीके से वीडियो में चाहिए एनिमेशन, यानी किस तरीके से आपकी वीडियो बननी चाहिए। यहाँ पर पेन है, टाइट है, रेट्रोट है, जूम, आप जूम करना चाहते हैं या कुछ, और यहाँ पर आप साइज सेलेक्ट कर लें, देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ, देन आपको यहाँ पर स्टार पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब ये 100% हो जाएगा, आपकी इमेज जो है वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अब आप इसे प्ले करके देख सकते हैं, और ये जो डाउनलोड का आइकन है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। तो इस तरीके से इस वेबसाइट से आपको इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम सेकंड इमेजेस यहाँ पर ऐड करेंगे। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है और इसे भी डाउनलोड कर लेना है। स्टेप नंबर थ्री इज कंप्लीट। स्टेप नंबर फोर, लिपसिंग ऑफ डायलॉग्स। इसके लिए आपको वेब्रो का ऐप इंस्टॉल कर लेना है।
आप चाहे तो इसकी वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉकिंग फ़ोटो पर क्लिक करना है और इन सभी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इन वेबसाइट पर आ सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की इमेजेस से आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपनी जो इमेजेस हैं हमारे पास, उससे हमें डायलॉग्स बुलवाने हैं, तो अपलोड फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है। देन आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर है स्क्रिप्ट और आपके जो डायलॉग हैं यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने ये डायलॉग्स है तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। देन आपको इसे डन कर देना है। सो यहाँ पर मैं इसे डन कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वॉइसेस है, आप यहाँ पर मेल और फीमेल देख ले आपका एक्टर जो फीमेल है या मेल। सो यहाँ पर फीमेल है सो मैं फीमेल की वॉइस यहाँ पर एक टिक कर देती हूँ। देन आप जनरेट पर क्लिक कर देना है, देन आपको कंटिन्यू कर देना है। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमारी इमेज जो है वो डायलॉग में कन्वर्ट होने के लिए प्रोग्रेस हो रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा डायलॉग्स हो चुका है लिपसिंक। आप इसे सेव टू एल्बम पर क्लिक करेंगे और ये आपका डायलॉग जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। सो आप इस तरीके से इस वेबसाइट से लिपसिंक करा सकते हैं और ये जो वाटरमार्क है इसे भी हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मैंने ये डायलॉग्स जो है लिपसिंक करा लिए हैं। 5 चाहिए आपको वॉइस इफेक्ट्स, स्टेप नंबर 5 है वॉइस इफेक्ट्स। तो इसके लिए आपको कैपकट एप्लीकेशन पर आ जाना है और यहाँ पर ये जो लिपसिंग वाला डायलॉग है इसमें हम डालेंगे बुढ़िया जो बोल रही है। इसके लिए इफ़ेक्ट्स, यहाँ पर हम इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट वॉइस के इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर हम ये जो बुढ़िया वाला इफ़ेक्ट्स है ये वाला हम ऐड कर लेंगे। देन इसे आपको डाउनलोड कर लेना है जो कि हमने इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लिया है। स्टेप नंबर 6 वीडियो एडिटिंग, इसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारी स्टोरी है उसकी जो शुरू की लाइन्स है उन्हें हम कर लेंगे कॉपी, क्योंकि हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ही वॉइस ओवर करा लेंगे। सो यहाँ पर मैंने 1 पैराग्राफ जो है कॉपी कर लिया है, आप चाहे तो पूरी स्टोरी भी कॉपी कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से हम कॉपी कर लेते हैं 1 पैराग्राफ, उसी में हम वॉइस ओवर ऐड करेंगे। सो इसके लिए आपको कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करना है, वीडियो पर आ जाना है और यहाँ से ब्लैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर प्लस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया है और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे ऐप्स, आपको यहाँ पर ऐप्स पर आ जाना है और हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऐप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप जिनका इसी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर है ये वाला ऐप्स इंडियन वॉइस ओवर, आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपनी स्टोरी को आपको पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं स्टोरी को। यहाँ पर हमने स्टोरी का 1 पैराग्राफ जो है पेस्ट कर दिया है। नीचे है लैंग्वेज, आप यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, यहाँ पर हिंदी मैंने सिलेक्ट कर ली है। और यहाँ पर है स्पीकर्स, आप स्पीकर्स की वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं, देख लें। और यहाँ पर प्रीव्यू पर आप क्लिक करके देखें, यहाँ पर हम प्रीव्यू एग्जांपल यहाँ पर सुन लेते हैं प्ले। देन आपको यहाँ पर इसे जनरेट कर लेना है। एक बार एक गुड़िया थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी, जो है ऑडियो उसका घर स्कूल जाने वाले बच्चों के रास्ते पर था। बच्चे अक्सर
ऑडियो जनरेट कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश। एक बार एक गुड़िया थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। अब आपको वॉइस के उसका घर स्कूल जाने वाले बच्चे यहाँ पर अपनी वीडियो क्लिप्स ऐड करनी है जो आपने पिका लैब से कराई है। सो यहाँ पर आप देखेंगे गैलरी पर नीचे आ जाएंगे हम गैलरी में और यहाँ से हम वीडियो क्लिप सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपनी स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर वीडियो क्लिप सेलेक्ट कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये वीडियो क्लिप सेलेक्ट कर ली है और ये जो वाटरमार्क आ रहा है इसे इस तरीके से अंदर की ओर हम क्रॉप कर लेंगे, यानी आपका वाटरमार्क नहीं शो होना चाहिए। सो इस तरीके से मैंने क्रॉप कर लिया है और आपको एक बार एक गुड़िया थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी लेयर जोड़ लेनी है। यहाँ पर आपको प्लस पर ऐड करना है और यहाँ से हम वन बाय वन करके सभी वीडियो क्लिप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो यहाँ से मैं ये वाली वीडियो क्लिप ऐड कर लेती हूँ। ऐड टू पेजेस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टोरी के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी है वीडियो क्लिप और ये जो वाटरमार्क आ रहा है पिका का हम इस तरीके से इसे अंदर की ओर क्रॉप कर देंगे। यहाँ पर हमने इसे क्रॉप कर दिया है और इस तरीके से हमने इसे उसका घर स्कूल जाने वाले बच्चों के रास्ते पर था। नेक्स्ट हम प्लस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट लेयर जोड़ लेंगे और जो हमने लिपसिंग कराई थी डायलॉग्स की वे वाले डायलॉग्स क्लिप्स भी हम ऐड कर लेंगे और यहाँ से जो वाटर मार्क है ये वाला फेब्रो का इसे भी हम क्रॉप कर लेंगे। इस तरीके से आपको क्रॉप कर लेना है जिससे कि आपका वाटरमार्क शो नहीं होएगा और आपकी स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। सो इस तरीके से हमने इसे प्ले करके देख लिया और स्क्रीन पर आपको इसे एडजस्ट कर ले है। आपको सभी क्लिप्स को यहाँ पर ऐड कर लेना है। सो इस तरीके से आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं यहाँ पर और ये जो आप देख सकते हैं लिपसिंग जो है हमारी इस तरीके से हो रही है। नेक्स्ट आप ये जो ऊपर डाउनलोड का आइकन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है डाउनलोड और अगेन से हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये आपकी वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी वीडियो बिल्कुल रेडी है। अब आप ये वीडियो प्ले करके देख सकते हैं हमारी वीडियो किस तरीके की बनी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो So please like, share and subscribe this channel. Thanks for watching. एक बार एक बुढ़िया थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका घर स्कूल जाने वाले बच्चों के रास्ते पर था। बच्चे अक्सर बुढ़िया को चिढ़ाते थे, वे उसे नाम बुलाते थे, उस पर हंसते थे और कभी कभी उसके घर पर पत्थर भी फेंक देते थे। बुढ़िया इन सब बातों से बहुत परेशान थी। एक दिन, अरे बुढ़िया तू बोलती क्यों नहीं, क्या तू गूंगी है? मैं गूंगी नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें सुनकर दुख होता है। अरे बुढ़िया तू कितनी बदसूरत है, तुम कल मेरे घर के सामने आना, तब तुम्हें मैं बताऊंगी, कल तुमको पता चलेगा बच्चों।